हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड स्टार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर है, डिटेल्स में आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपके पास धन में एक डिमांड अकाउंट होना चाहिए। धन में फ्री डिमांड अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसी लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके साथ जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस AMC वो भी फ्री रहेगा। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा एक होम पेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन ट्रेडर विद कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर का। आप यहां पे ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली और एक टैब ओपन हो जाएगा जो कि ओपन होगा धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड यहां पे आपको ऑप्शन का मल्टीपल फीचर मिल जाएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा, पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा, स्ट्रेटजी बिल्डर मिल जाएगा, पेएफ ग्राफ मिल जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा जो कि अभी वन बाय वन अभी कवर करेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम पहले चले जाते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर। नेक्स्ट एक एक करके कवर करेंगे हर टूल को। टॉप में देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्ट्रेटजी बिल्डर का, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने अभी स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन हो जाएगा। एंड टॉप में देखिए आपके लिए इनबिल्ट 3 इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी इंडेक्स के ऊपर आप स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं ऑप्शन का, उसी इंडेक्स सिलेक्ट कर दीजिएगा। मानिए मुझे निफ्टी में अभी स्ट्रैटेजी बनाना है तो मैं अभी निफ्टी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा सामने अभी ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी आ जाएगा। आपको अगर यहाँ पे चेंज करना है तो देखिए टॉप में एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि फास्ट ट्रेड का है, जो कि बिगनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है ऑप्शन का क्या क्या स्ट्रैटेजी है तो आप यहाँ पे फास्ट ट्रेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनबिल्ट बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट आयरन कॉन्डर बटरफ्लाई, किसी भी स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऐड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देखिए चेक कर पा रहे होंगे। अगर आपको लॉट इंक्रीज करना है यहाँ पे लॉट इंक्रीज कर सकते हैं, कॉल पुट को चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, बाय सेल चेंज करना है यहाँ पे देखिए चेंज कर सकते हैं, सारा डिटेल्स अवेलेबल है। माने आपको और एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे नीचे ऐड करना है, उसी केस में देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बॉक्स का, आप यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे और एक स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा, आपको कॉल पुट जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, बाय सेल जो भी करना है यहाँ से बाय सेल करके यहाँ पे प्लस आइकन जो है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर इंट्राडे नहीं तो पोजिशनल जो भी डिफॉल्ट रखना है, यहाँ पे देखिए एक 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे इंट्राडे यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट, नहीं तो नॉर्मल यूज कर सकते हैं आपका डिफॉल्ट। उसी डिफॉल्ट को जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसी अनुसार डिफॉल्ट में आपका स्ट्रैटेजी आ जाएगा नॉर्मल में। जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एग्जीक्यूट ऑल, आपका डिफॉल्ट जो होगा उसी अनुसार ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर इंट्राडे होगा तो इंट्राडे में एग्जीक्यूट होगा, अगर पोजिशनल होगा आपका पोजिशनल ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। आपका यहाँ पे स्ट्रैटेजी अभी बन गया है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, आपका ब्रेक इवन क्या है, सारा डिटेल्स आपको देखिए नीचे मिल जाएगा। उसके साथ आपका जो ऑप्शन ग्रीक है स्ट्रैटेजी ग्रीक, डेल्टा थीटा गामा बीटा यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रेक इवन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए टॉप में चले जाते हैं। टॉप में देखिए यहाँ पे पीएनएल टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं डेट चेंज करके, एंड कौन सा डेट को प्राइस अगर किधर होगा तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके पास में देखिए और एक ऑप्शन है स्ट्रैटेजी चार्ट का, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी चार्ट के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं आप जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है उसी स्ट्रैटेजी में किस टाइप का चार्ट बन रहा है एंड कौन सा डायरेक्शन में मेरा स्ट्रैटेजी चार्ट जा रहा है एंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करके। ओके, एंड नीचे आपको ऑप्शन शो कर जाएगा, जो येलो लाइन यहाँ पे जा रहा है वो है निफ्टी का और जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रहा है वो है स्ट्रैटेजी चार्ट, आपका जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय की है। उसके साथ आपको मल्टी स्ट्राइक वाई भी यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक वाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम चले जाते हैं पेएफ ग्राफ के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा शो का,
जैसे ही शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शो ओपन इंटरेस्ट शो वाइज चेंज यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए पेएफ ग्राफ में यहाँ पे शो करेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है ये सारा टूल को यूज करना। लेकिन आप स्ट्रेटेजी बिल्डर में अगर लाइव मार्केट जाकर एग्जिट करना चाहेंगे, ऑस्ट्रा वगैरह आपसे 1500 से 1600 ले जाते हैं, तो आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर धॉन में बिल्कुल फ्री के साथ यूज कर सकते हैं। मानिए आपको बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर भी किसी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, न्यू आर्ट भी कर सकते हैं, फास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है, इसलिए देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक सर्च बार, आप यहाँ पे सर्च बार में जाकर सर्च कर लीजिएगा, मुझे मैंने TCS में एक स्ट्रेटेजी बनाना है, तो आपको TCS सर्च कर देना है एंड देखिए TCS नीचे आ गया है, उसको सिलेक्ट कर देना है, तो आपका यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट एक स्ट्रेटेजी आ जाएगा एंड आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे प्लस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट जो भी एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे कर सकते हैं एंड कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है तो यहाँ पे भी आप ऐड करके प्लस कर दीजिएगा तो आपका स्ट्रेटेजी में ऐड हो जाएगा। और नीचे ऑप्शन है आपको एग्जीक्यूट ऑल ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड टू बास्केट कर सकते हैं। और नीचे देखिए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस यहाँ पे शो कर जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड बाकी डिटेल्स पे एफ चार्ट को लेकर पे एफ ग्राफ को लेकर स्ट्रेटेजी बिल्डर को लेकर अभी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ओके अब हम चलते हैं एनालाइज के ऊपर। देखिए टॉप में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एनालाइज का, आप यहाँ पे एनालाइज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक स्ट्रैडल चेन का ऑप्शन है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है एंड आप स्ट्रैडल डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो आपके सामने देखिए इनबिल्ट यहाँ पे स्ट्रैडल आ जाएगा। स्ट्रैडल का प्राइस क्या चल रहा है, चेंज क्या हुआ है, थीटा डेल्टा गामा PCR का वाई कॉम्बाइन वाई सारा डिटेल्स यहाँ पे स्ट्रैडल का आपको मिल जाएगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप स्ट्रैडल डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। ये TCS का इसीलिए अभी आया है क्योंकि अभी हम TCS वहाँ पे सिलेक्ट किए थे। आप जिस भी इंडेक्स का स्ट्रैडल चेन चेक करना चाह रहे उसी इंडेक्स को सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड टॉप में देखिए जो एनालिसिस का ऑप्शन है एनालिसिस के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको स्ट्रैडल चेन मिल जाएगा। एंड देखिए स्ट्रैडल चेन निफ्टी का आ गया है, आप यहाँ पे सेल स्ट्रैडल कर सकते हैं, नहीं तो सी बिल्डर में भी जाकर चेक कर सकते हैं आपका स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपका स्ट्रैडल किस टाइप का बन रहा है आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार। जो भी इंट्राडे ट्रेडर स्ट्रैडल को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ये स्ट्रैडल चेन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक्सपायरी का देखिए यहाँ पे स्ट्रैडल चेन अवेलेबल है, बस आपको क्लिक करके आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड टॉप में देखिए आपको मिल जाएगा पोर्टफोलियो का ऑप्शन, पोजीशन का ऑप्शन, ऑर्डर का ऑप्शन, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वॉचलिस्ट का ऑप्शन है, आप जो भी वॉचलिस्ट बनाना चाह रहे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में वॉचलिस्ट है, आप वॉचलिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चला जाते हैं लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे मार्केट्स का, आप यहाँ पे मार्केट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर 52 वीक हाई 52 वीक लो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी स्टॉक यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर करना है कुछ तो यहाँ पे अंडरलाइन एफेंडो स्टॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जो भी डिफॉल्ट होगा फिल्टर में, एंड यहाँ पे निफ्टी 500 निफ्टी 200 यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसी निफ्टी 500 का स्टॉक में कौन सा टॉप गेनर है कौन सा टॉप लूजर है आप यहाँ पे लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स का ऑप्शन चेन वगैरह चेक करना है तो देखिए टॉप में यहाँ पे निफ्टी निफ्टी बैंक फिनिडी तीनों का यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर अवेलेबल है। नीचे देखिए यहाँ पे अवेलेबल है फ्यूचर कमोडिटी करेंसी किसी भी सिक्योरिटीज का आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप कमोडिटी का भी बना सकते हैं करेंसी का भी बना सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे आने वाले टाइम दिखाऊंगा। अभी हम देखते हैं कैसे हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को चेक कर सकते हैं। देखिए टॉप में यहाँ पे निफ्टी का 50 का ऑप्शन है, मार्केट को जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने अभी ऑप्शन का समरी आ जाएगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी मंथ का ऑप्शन चेंज देखना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा जुलाई ऑप्शन का, एंड यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मिल जाएगा एंड आपको पुट कॉल रेशियो का भी चार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए वीएल वॉल्यूम पीसीआर का लाइव मैक्स पेन चेंज वाई सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेन को भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ। अभी देखिए इसके पास में ऑप्शन चेन है, जो कि अगर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी पेज के ऊपर ही ऑप्शन चेन ओपन होगा। देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, लेकिन अगर आप एडवांस में करेंगे तो और एक टैब में ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको वाई चार्ट से आपका बाय सेल ट्रेड लेना आपके लिए इजी। तो देखिए यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, आप यहाँ पे देखिए एक्सपायरी टॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपको एक्सपायरी के अनुसार यहाँ पे देखिए पीसीआर का वैल्यू भी शो करेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट बाय सेल भी कर सकते हैं
एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट आपका मार्केट डेप्थ भी चेक कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार। एंड देखिए टॉप में यहाँ पे जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट करना है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, आई भी चेंज अर्दमनी आई भी सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन का ग्रीक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप सेटिंग में जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक को ऐड कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट यहाँ से आप बाय सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड डायरेक्ट यहाँ से आप आपका ऑप्शन का चार्ट भी चेक कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हम चलते हैं फिर से हमारा होम पेज के ऊपर। माने हमको यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर से हमको कहाँ पे जाना है, टॉप में एक ऑप्शन है स्ट्रैटेजी बिल्डर का। ओके, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे जो सर्च बार है ना, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च बार का, यहाँ पे सर्च कीजिएगा एंड यहाँ पे क्रूड ऑयल सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आपका सेटअप के हिसाब से। देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी आ गया है एंड आपको फर्स्ट ट्रेड में भी मल्टीपल स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में है, उसके साथ टॉप में देखिए एक ऑप्शन है प्री बिल्ड, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, डायरेक्ट आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। देखिए आपको बस आपका व्यू बताना है कि आपको कौन सा व्यू में आप चल रहे हैं, बुलिश बियरिश नॉन डायरेक्शन या एनी डायरेक्शन। अगर आप एनी डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए उसी अनुसार यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन जाएगा एंड आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ब्रेक इवन क्या होगा, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स शो कर रहा है। अगर आपको चाहिए बियरिश पोजीशन के लिए तो आप बियरिश का स्ट्रैटेजी बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी आ रहा है क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में क्रूड ऑयल को सिलेक्ट किए हैं। तो पहले आप जिस भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से, आप किसी भी ऑप्शन चेन नहीं तो स्ट्रैडल चेन को जाने से पहले एक बार स्ट्रैटेजी बिल्डर में चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सा एक कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे, ना ऑप्शन चेन चेक कर रहे, निफ्टी का कर रहे तो निफ्टी को डिफॉल्ट रख लीजिएगा। ओके, देखिए ये सब फीचर आपको फ्रीली धन प्रोवाइड करता है। ओपन इंटरेस्ट हो गया, पेनल टेबल हो गया, पेनल चार्ट हो गया, मल्टी स्ट्राइक ओआई हो गया एंड यहाँ पे आप स्ट्रैडल चेन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं, पीसीआर चेक कर सकते हैं, लाइव मार्केट में सारा डिटेल्स आप ये सब टूल को फ्रीली यूज कर सकते हैं जो आपको प्रोवाइड करता है धन। एंड धन में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कैसे आप धन ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है आप वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।